काफ़ी पुरातन काल से हो रहा है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ मेडिकल ट्रीटमेंट्स में होता है आयुर्वेदा में इसका यूज़ तो कई सालों पहले से हो रहा है और अपार्ट फ्रॉम दैट ये फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है डेंटल केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही पॉपुलर और वेल नोन है तो जिसको हम कहते हैं क्वीन ऑफ प्लांट एंड मदर मेडिसिन ऑफ नेचर तो ये जो दो वर्ड्स है आई थिंक सो के इससे आपको कुछ आइडिया आ गई होंगे कि एग्जैक्टली exactly क्या है फ्रेंस ये कोई और नहीं ये हमारे आंगन में पाई जाने वाली होली बैसील है जिसको हम कॉमनली तुलसी कहते हैं तो तुलसी का बायोलॉजिकल नेम है ऑसीम सैंक्टेकम जो लैमेसी फैमिली से पाई जाती है और इसके जो पार्ट्स हैं, जो हम यूज कर सकते हैं वो उसके लीव्स सीड्स एंड रूट हम अप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स so इतना वेल well नोन जो ये तुलसी है जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के चलते हुए इसका तो काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेराइटीज ऑफ प्रॉपर्टी तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है सो फ्रेंड्स व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ होली बेसिल और तुलसी तुलसी कंसिस्ट ऑफ ओलानोलिक एसिड रोजमेरिक एसिड यूजिनॉल कार्वोक्रॉल लिनानॉल एंड बिटा कायरोलिन दीज ऑल आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जितने भी इफेक्ट या जितने भी ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसके बाद जो बेनिफिट मिलते हैं वो बिकॉज ऑफ ऑल दीज केमिकल कंस्टिट्यूएंट से होते हैं हर एक्टिविटी के लिए केमिकल कंस्टिट्यूंट रिस्पॉन्सिबल होता है तो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि इसमें से कौन से कंस्टिट्यूंट केमिकल कंस्टिटुएंट ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिशियल है या उसका इफेक्ट ट्रीटमेंट करने के बाद आता है तो लेट्स डिस्कस कि जो तुलसी के जो बेनिफिट्स है वो क्या है और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है तो जैसे कि आप जानते हो मैं तो इसको कहूँगी कि दादी के बटवे से ये सेगमेंट मुझे ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज जब भी घर में कुछ होता है तो दादी दादा बोलते हैं कि तुलसी लगा लो चेहरे पे कुछ डाग है तो तुलसी लगाने से वो ठीक होता है हम तो काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं तो ऐसी ही इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे लाइक like, हमें पता है कि एक्नीज में भी इसका यूज़ होता है तो इसको एंटी एक्नी प्रॉपर्टी है ब्लैक हेड और व्हाइट हेड को क्योर करने की भी प्रॉपर्टी है टोनिंग प्रॉपर्टी है मॉइस्चराइजर प्रॉपर्टी है स्किन इन्फेक्शन से ठीक होने की प्रॉपर्टी है तो ये सारी प्रॉपर्टीज पे हम फोकस करने वाले हैं थ्रू आउट द सेशन बिकॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलरली स्किन एंड हेयर कंसर्न तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटी एक्नी एज एन एंटी एक्नी कैसे काम करता है तो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें भी क्वेश्चन आता होगा कि एक्ने आती क्यों है एंटी एक्नी से पहले तो एक्नी आती क्यों है इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक्नी के तीन रीज़न है पर्टिकुलरली इफ कॉन्स्टिपिशन है आपका पेट साफ नहीं हो रहा है सेकेंड ब्लड सर्कुलेशन ढंग का नहीं है और थर्ड है हार्मोनल इम्बेलेंस तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हो और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारी चीज़ें ठीक है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है अदरवाइज एक्नी जैसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं बिकॉज एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद हार्मोनल इंबेलेंस भी होता है तब भी एक्नीज आते हैं तो तुलसी इसमें क्या रोल प्ले करती है एज तुलसी लोडेड विथ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी हेल्प टू प्रिवेंट एक्नी ये जो दो तो प्रॉपर्टी है ये हेल्प करते हैं एक्नी को आने से अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ ऑल्सो एन एक्सेलेंट पोअर क्लिनजर सिंस इट कंटेन नेचुरल ऑयल दैट हेल्प एक्ट एज अ नेचुरल क्लिनजर एंड रिमूव सरप्लस ऑयल एंड इम्प्यूरिटीज एंड डर्ट फ्रॉम योर स्किन सरफेस तो जो एक्नीज में कुछ इम्प्यूरिटीज रहती है फेस पे जो डर्ट होती है उन सब को ये क्लीन करता है तो इनको क्लीन करने के बाद क्या होगा ऑटोमेटिकली आपकी स्किन स्मूथ एंड काम बनेगी और रिजनेट होना स्टार्ट करेंगी

ब्लैक हेड और व्हाइट हेड से भी छुटकारे पाने का एक अच्छा मौका देती है अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो थर्ड प्रॉपर्टी है टोनिंग प्रॉपर्टीज एक्चुअली ये स्किन को टोन करता है टाइट करता है स्किन को जो एज के साथ स्किन में डलने सा आ जाता है इलास्टिसिटी लॉस होने लगती है तो उसमें वो सारे आस्पेक्ट्स हम अगर देखा जाए तो वो हमको हील करके टाइटन एक स्ट्रक्चर देता है आपके फेस को बट ये क्यों देता है तो एक्चुअली जो कैम्फीन है एज अ कंस्टिट्यूएंट इन बैसिल वो हेल्प करता है स्किन को टोन करने के लिए और डर्ट और डेड स्किन वो रिमूव कर देता है फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है वो रिटेन करता है रिस्टोर करता है मॉइस्चर्स को और वो आपको एक हाइड्रेटेड स्किन देता है इसके बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसमें है वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एक्चुअली उसमें यूजिनॉल है यूजिनॉल मेन कंस्डेंट है इसका यूजिनॉल एंड विटामिन सी जो प्रिवेंट करते हैं फ्री रेडिकल को जो अपने स्किन को डैमेज करता है और फाइन लाइंस देता है इफ़ वो प्रिवेंट करेंगा फ्री रेडिकल को तो जो डैमेज स्किन है वो नहीं होगी और आपके जो फाइन विंकल्स वगैरह आए हैं वो कम होते जाएंगे और आपकी स्किन काफ़ी स्मूद और रिजनेट होती रहेगी लास्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं जो डिसऑर्डर्स होते हैं इन्फेक्शन के इचिंग होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है एज आई टोल्ड यू तुलसी लोडेड विद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी सो द मेन कंटेंट ऑफ इसेंशियल ऑल प्रेजेंट इन अ तुलसी विच इज कॉल्ड एज यूज इन ऑल हेल्प टू क्यूर इन्फेक्शन लाइक रिंग एंड एग्जीमा सो फ्रेंड्स इसी के साथ सारे प्रॉपर्टी के साथ ये जो है ना एक बहुत ही मैजिकल प्लांट है कि जो सारी प्रॉपर्टीज आपको देता है तो पर्टिकुलरली अभी हम देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन कैसे करें कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि बीइंग अ कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजिस्ट लोग मुझे पूछते हैं या हम लोगों को सब लोग पूछते हैं कि क्या लगाना चाहिए हमारी स्किन कैसे टोन होंगी ये रिंकल्स कैसे गैप गायब होंगे तो हमें कुछ नेचुरल रेमेडीज़ बताओ बिकॉज uh, जैसे हम देखते हैं कि केमिकल से वर्ल्ड फुल हो गया है लाइक फ्लड आ गई है कि हर चीज़ में केमिकल केमिकल रहता है तो ना वो सारे लोग जो है ऑर्गेनिक की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो ये कुछ ऑर्गेनिक होम रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए उन सब के लिए मैं आपके साथ एक क्लिनिंग तुलसी मास्क एक रेमिडीज डिस्कस करने वाली हूँ एंड सेकेंड वन इज एंटी एक्नी फेस पैक तो सो so फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुलसी के लीव्स उसके ब्रांचेस और उसके सीड्स यूज किए जा सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट्स सीड्स बोले तो हम लोग उसके जो ऑयल है उसके जो एक्सट्रैक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं तुलसी के ऑयल मार्केट में भी अवेलेबल है आप उसको बोरो कर सकते हो और आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो तो एक सिंपल चीज़ है कि आप उसको अप्लाई करके छोड़ दो तो कुछ टाइम के लिए या रात में भी सोने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लो तो आपको रिलीफ मिल सकता है तो हम लोग फेस पैक देख रहे हैं तो ये फेस पैक कैसे बनाए हम लोग तो कोई कोई लोग क्या करते हैं कि पत्तियाँ तोड़ ली फिर उसको क्रश कर लिया और उसका जूस निकाल के लगा लेते फेस पे तो वो भी ठीक है उसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं उसको अंडर शेड ड्राई करना है सनलाइट में मत ड्राई करो क्योंकि वो पूरे ही सूख जाएंगे अंडर शेड उसको ड्राई करो ड्राई करने के बाद आपको उसको पाउडर बना लेना है उसको ग्राइंड कर लो फिर उसका पाउडर हो जाएगा उसके बाद उसको सीव कर लो सो दैट यूनिफॉर्म साइज में आपको पाउडर मिल जाएगा तो आपने जितनी पत्तियां ली है उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ कर लेना है सपोज आपने दो चम्मच पाउडर लिया है और तो दो चम्मच ही आपको कर लेना है और उसमें थोड़ा गुलाब जल डाल दो और ऐसी पेस्ट बनाओ जो आप अच्छे तरीके से एक थीन लेयर में फेस पे अप्लाई कर सकते हो उसको 15 मिनट्स के लिए वही छोड़ दो आफ्टर 15 मिनट आप आपका फेस कूल वाटर से वॉश कर लो ये है एक रेमेडी जो आपके फेस को पूरा क्लीन करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि वो कैसे क्लीन करती है सरप्लस जो रहते हैं इंप्यूरिटीज़ जो रहती है वो कैसे क्लीन करती है जो मैंने पहले डिस्कस किया तो सेम अप्लीकेशन वो यहाँ देती है सेकेंड चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है एंटी एक्नी फेस पैक तो ये पैक में क्या करना है आपको आपने पहले ही पाउडर कर लिया था तो वही दो चम्मच पाउडर आपको यहाँ पे भी लेना है क्योंकि उसमें एंटी एक्नी के लिए क्यों बिकॉज इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी तो वो दो स्पून आपने लिए थे यहाँ पे उसमें आप हनी डाल दो थोड़ा सा उसकी पेस्ट बनाओ साथ ही साथ थोड़ा गुलाब जल भी डाल दो हनी क्या काम करता है मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था कि बहुत न्यूट्रिटिव रहता है रिजनेट करता है स्किन को तुलसी भी करता है बट हनी एज अ व्हीकल हम यहाँ ले रहे हैं और उसको अप्लाई कर लो फिफ्टीन मिनट्स के लिए उसको भी छोड़ दो उसके बाद आप फेस वॉश कर लो अगर ये चीज़ आप वीक में दो भी बार करते हो तो आपको एक काफ़ी अच्छा स्मूथ टाइट टोनिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्किन आपका देखने मिलेगा और विदाउट कुछ करने के बावजूद आपको नेचुरल रेमिडीज के साथ वो क्यूर करते रहेगा तो फ्रेंड्स यहाँ हम रुकते हैं आज के लिए ऐसी काफ़ी सारी रेमिडीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडर द सेगमेंट ब्यूटी फ्रॉम योर किचन सेफ सो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फोगेट टू शेयर लाइक एंड कमेंट सो गाइज स्टे ट्यून स्टे सेफ Thank you so much.